बाढ़ पीड़ितों को अगर हायाघाट के अंदर नगर पंचायत में जो बाढ़ आया हुआ जो जो गांव में अगर घोषित नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन आंदोलन यहाँ होगा। नमस्कार, हमारे मिशन सच न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। अभी देख रहे हैं मिशन सच, क्योंकि दरभंगा में कई प्रखंड जो है बाढ़ से ग्रस्त हो गया। वही दरभंगा की बात करेंगे तो हनुमान नगर भी जो है बाढ़ग्रस्त में घोषित कर दिया गया है। हनुमान नगर से सटे ही हायाघाट के घरारी गांव है, सिनिया गांव है, नया टोला है, कई गांव है जो बाढ़ के चपेट में आ गए थे, लेकिन अभी तक उस गांव को बाढ़ घोषित नहीं किया है। वहां जो मुआवजा मिलना चाहिए, राहत मिलना चाहिए, नहीं मिला है, क्योंकि जो सामाजिक कार्यकर्ता है दिन रात लगे हुए हैं ताकि बाढ़ पीड़ितों को न्याय मिल सके, बाढ़ पीड़ितों को राहत मिल सके। और तमाम अभी हायाघाट प्रखंड में मौजूद है और यहाँ पे तमाम जो है सामाजिक कार्यकर्ता है, सभी लोग चाहते हैं कि जो बाढ़ पीड़ित है उनको कम से कम न्याय मिलना चाहिए। सरकार का भी कहना है कि जो पीड़ित है उनको हर हाल में उनका राहत मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। लोग जमकर विरोध कर रहे हैं और जानेंगे आज ये लोग क्यों आए हैं। बताइए, कहाँ आए हैं आप लोग यहाँ पे? देखिए, 4 तारीख से लेकर लगातार हम लोग आपके माध्यम से, उनके माध्यम से सरकार को अवगत कराते आ रहे हैं। और मैंने अभी सभी जिलाधिकारी महोदय को भी कॉपी लगा के आया हूँ, जिन्होंने अभी रिसीविंग मिला है। उसके बाद है, अभी देखिए कितना बड़ा गलत काम है कि लालू यादव जी जब बिहार में केंद्र में सरकार चला रहे थे तो नीतीश कुमार मांगा था झोला था दिया बोरा। उस समय नीतीश कुमार कहा कि हम कुंटलिया बाबा हैं। अभी पूरे घरारी, सरामीद, नया टोला, अकरहा, उत्तरी सिरनिया पश्चिमी, ये सभी जगह बाढ़ से आदमी तबाह होकर फसल क्षति नष्ट हो गया। दो रोज पहले भी आप लोग जो है समीक्षा किए हैं, कितने गांव घूमे थे? हम लोग घूमे, घरारी घूमे हैं, अकराहा घूमे हैं, उसके बाद नया टोला थोड़ा सा झूं घूमे हैं, आगे जाके सरामीद गए हैं। उन 4 जो 5 जगह हैं सब जगह घूमे हैं, सिरनिया पश्चिमी भी घूमे हैं जहाँ बाढ़ से लोग ग्रसित हैं। हमारा फसल जो इतना क्षति हुआ है, हम सरकार को कह रहे हैं आप तो देख लीजिए, जो हमारा चूल्हा में पानी गया आप उनको तो देख लीजिए। हम ही नहीं कह रहे हैं, जो लोग सूखा है आप उनको दीजिए, जो प्रभावित क्षेत्र हैं, जिनके बाढ़ ग्रसित लोग हैं, आप उन पर दया कीजिए, माया कीजिए, जो सरकार को जो रूल है वो मिले। अभी किसान क्रेडिट कार्ड है, वो हम चाहेंगे सरकार से माफ़ हो, जो किसान का जो अभी फसल क्षति करने पैसा नहीं है, सरकार के बैंक से जो है फिर कर्जा लेकर काम करेगी। अच्छा, कर्जा दिया हुआ है, बैंकर कहेगा मेरे यहाँ पैसा दो नहीं तो तुमको जेल भेजेंगे। हम चाहेंगे किसान क्रेडिट कार्ड भी माफ़ हो। कहाँ आवेदन दिए हैं? अभी हमने जिलाधिकारी महोदय दरभंगा को दिया है, अंचलाधिकारी महोदय हायाघाट को दिया है, उसके बाद प्रखंड विकास आवेदन जो दिया है अभी किस लिए दिए हैं? इसीलिए दिए हैं कि हमारी बाढ़ को लेकर जो समस्या है आप इसको घोषित कीजिए, आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को इन लोगों को जो है सरकार के तरफ से मुहैया है वो कराया जाए। 22 तारीख का क्या है? 22 तारीख को हम लोग जबरदस्त यहाँ प्रोग्राम करेंगे और घेरा डालो, बाढ़ घोषित करो और हमारी जो मांग है वो पूरी करो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुधीर कुमार गुप्ता, आरजेडी नेता हायाघाट। चलिए, और यहाँ पे जो है सामाजिक कार्यकर्ता है, तमाम राजनीतिक दल के नेता है, ताकि बाढ़ पीड़ितों को राहत मिल सके। बताइए, खंड में आए हैं किस लिए आप लोग लड़ रहे हैं? उसी के लिए है, गरीबों के लिए है, जो गरीबों के हित में कुछ होना चाहिए। बाढ़ सबके घर में पानी घुसा हुआ है और सरकार हमारी कान में रुई दे के सोई हुई है, जबकि उसको मदद करना चाहिए, हर तरह का मदद करना चाहिए। इससे पहले भी हुआ था, हमारे लालू जी के राज में हुआ था, जो उसमें मिला था कुंटलिया बाबा कहते हैं, ये कुंटलिया बाबा जो अभी हैं वही दिए थे, लेकिन आज जो मिलना चाहिए अभी तक राहत नहीं मिला है। किसी को एक ठो माचिस का तीली तक नहीं मिला, जबकि अन्न उन सब मिलना चाहिए, पैसा वैसा सब मिलना चाहिए। और हम सरकार को ये निवेदन करेंगे कि जितना जल्दी से जल्दी हो सब बाढ़ पीड़ित को दीजिए, राशन दीजिए, पैसा दीजिए, जो हो सके आपसे जो दीजिए, जो उचित है वो मिलना चाहिए, उचित दीजिए जो मिलना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ आसिफ अली और हायाघाट उप प्रमुख। बताइए, आज प्रखंड में आए हुए हैं, क्या वास्तव में जो है हायाघाट के कुछ गांव जो है बाढ़ग्रस्त हो गया? देखिए, एक तो सरकार जो नीतीश की डबल इंजन सरकार है वह पूरे फेल हो चुका है, गरीब गुरबा को देखने के लिए तैयार नहीं है, अफसरशाही चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। और नगर पंचायत में जो बाढ़ आया है वह बाढ़ में गरीब गुरबा का फसल क्षति हुआ है, घर भस गया है, तमाम चीज़ लोगों को सरकार ने घोषणा किया कि दुर्गा पूजा से पहले तमाम बाढ़ पीड़ितों के खाता में चला जाएगा, लेकिन यह सरकार जो निकम्मी है, यहाँ के जो दलाल बिचौलिया है उसके तहत यहाँ के लोगों को विकास नहीं हो रहा है। और नगर पंचायत जो बना, यहाँ का जो अधिकारी जो निरीक्षण किया, साफ गलत है, क्योंकि यहाँ गरीब नगर पंचायत लायक नहीं था, पंचायत ही लायक था, लेकिन यहाँ दबाव दे के दलाल बिचौलिया मिल के यहाँ के अफसरशाही मिल के यहाँ के तहस नहस किया। और कुछ हमारे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ते लोग हैं जो नहीं देखा गया है, यहाँ के
अधिकारी जब घोषित नहीं किया है तो ये लोग जिला से लेके हायाघाट प्रखंड तक तमाम जगह एप्लीकेशन देने का काम हो रहा है। और बाढ़ पीड़ितों को अगर हायाघाट के अंदर नगर पंचायत में जो बाढ़ आया हुआ है जो जो गांव में अगर घोषित नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन आंदोलन यहाँ होगा। ईमानदारी से काम करते तो हनुमान नगर वही नदी है जो हायाघाट में प्रवेश हो चुका है। हायाघाट बांध बना हुआ है, एक ही क्षेत्र बना हुआ है, एक ही क्षेत्र है, जैसे नियाम, सरामीद, घरारी, सिरनिया, नया टोला, अकरा, ये तमाम बाढ़ घर्षित घर्षित है, घर्षित करना होगा, नहीं करेंगे तो इन लोगों को अनिश्चितकालीन जी। घनश्याम यादव, माले नेता। तो देखिए यहाँ पे तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक नेता सभी लोग आए थे और 22 तारीख को अपना शक्ति प्रदर्शन हायाघाट ब्लॉक को घेर कर दिखाएंगे। अगर बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ राहत नहीं मिलते हैं तो ये लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है और देखना है क्या पदाधिकारी उचित में जो हायाघाट के कुछ गांव बाढ़ से दह गए हैं क्या उनको मुआवजा देते हैं। फिर आगे मिलते हैं अगले न्यूज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।